इंटरेस्ट प्रोटेक्शन है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। वेलकम बैक गाइस, टाइम फॉर अनदर एक्साइटिंग वीडियो। आज हमें टेस्ट करना है मोटो एच 40 नियो। टेक्निकली ये स्ट्रिप डाउन वर्जन है एच 40 का। स्पेक्स में तो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, बट ऑफकोर्स बिल्ड मटेरियल में काफी मेजर चेंजेस हैं। लाइक एच 40 में आपने देखा था, वन ऑफ द रेयरेस्ट है आजकल में, मेटल फ्रेम एंड सॉलिड बिल्ड क्वालिटी विद ए गुड वीगन लेदर, जो कि अदर फोन्स के ब्रांड में नहीं निकल गया है। अब इस फोन में क्या है, ये वन ऑफ द चीपेस्ट IP60 रेटेड फोन है जो आप अंडर 20K में भी अफोर्ड कर सकते हैं। अर्लियर ओनली सैमसंग ये चीज़ प्रोवाइड किया करती थी, लेकिन सैमसंग के फ़ोन अब थोड़े से महंगे हैं अगर आपको IP68 चाहिए। लेट्स फाइंड आउट क्या कॉस्ट कम करने के चक्कर में क्या इस फोन में कुछ मेजर कॉम्प्रोमाइज है कि नहीं है, जैसे कि मैं रिसेंटली ऑनलाइन फोन देखा था और वीवो के फोन देखा था। इसका स्टार्ट है। वैसे इस कंटेनर में गाइस आज बहुत ज़्यादा वाटर है, आपको समझ में आ गया हो कि ऐसा क्यों है। यूजली जब कोई फ़ोन IP68 होता है मैं उसको फ्रीज करता हूँ, लेकिन आज मैंने इसको फ्रीज नहीं किया, वो इसलिए क्योंकि मैं भूल गया, सॉरी फॉर दैट। आप कोई और वीडियोस देख लीजिएगा जो रिसेंटली मैं iPhone 15 Pro Max किया था। मोटो का फ़ोन अगर ये बच गया तो बाद में भले हम इसको फ्रीज करके ट्राई करेंगे कि क्या होता है। फिलहाल यहाँ पे आई थिंक अराउंड 100+ लीटर वाटर होना चाहिए। हम 30 मिनट का यहाँ पे एक डीप वाटर टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। वैसे आप ये टेस्ट ट्राई मत करेगा, ऐसा नहीं कि पास में IP68 फ़ोन पास भी हो गया था। यू रिमेंबर 1+8 Pro आया था, आफ्टर दैट iPhone में भी वाटर जा चुका था, iPhone SE 3 आपने देखा था, LG के फ़ोन में भी वाटर चला गया था G8X में। तो ये चीज़ें जस्ट फॉर एक्सीडेंटल टेस्ट के लिए होती हैं, आप उसको ऐसे गारंटी ऑफ प्रूफ नहीं ले सकते कि वाटर में कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। सो वेट फॉर 30 मिनट, आप फास्ट ऑर्डर देखते रहेगा, फिर हम फ़ोन को टेस्ट करते हैं क्या ये वर्किंग है कि नहीं है। तीस मिनट से गाइस हमने ज़्यादा ही टेस्ट करी है, बिकॉज हमारा कैमरा एग्जैक्ट 30 में स्टॉप हो जाता है। चलिए फ़ोन को बाहर निकालते हैं। आई एम श्योर इस फ़ोन में कुछ होना तो नहीं चाहिए, बिकॉज IP68 का मतलब क्या हुआ अगर आपका फ़ोन ऐसे ही ख़राब होने लगे। बट जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कांड हो चुके हैं बहुत बार, आई होप सो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। मोटो का कोई फ़ोन आज तक ऐसे फेल तो नहीं हुआ है, परफेक्टली वर्किंग मोटो एच 40 नियो। फ़ोन अपने आप सेल्फ ड्राई हो चुका है, डेफिनेटली यहाँ पे लिक्विड अंदर आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज इट्स एन IP68 होगा तो सेंटर में आपको ऑफकोर्स नज़र आ जाएगा गैस्केट प्रोटेक्शन के इनसाइड में। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ये कम्प्लीटली ड्राई है, तो ये क्रूशियल फैक्टर हो सकता है, डिसाइडिंग हो सकता है आपका फ़ोन लेते वक्त, बिकॉज बहुत से लोग आउटडोर में ज़्यादा वर्क करते हैं, उस केस में ड्यूरेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें ऑफकोर्स बेंड टेस्ट, ड्रॉप टेस्ट एंड दी लिक्विड टेस्ट भी होना ज़रूरी होता है। ऑफ़ कोर्स कंस्ट्रक्शन आपको पता है, यहाँ पे एवरी मटेरियल यहाँ पे प्लास्टिक होना चाहिए एक्सेप्ट ये, यहाँ पे शायद ये मेटल होना चाहिए एंड ऑफ कोर्स ये भी मेटल होना चाहिए। लेट्स वेरीफाई इट। इट्स अ स्ट्रेट प्लास्टिक, आसानी से ये कट भी हो सकता है एंड आप शायद इसको चिप ऑफ करके निकाल भी सकते हैं। नेवर माइंड, प्लास्टिक के ओन एडवांटेज भी हैं। ऑन द टॉप ऑफ कोर्स यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस भी है। इन द बॉटम नो हेडफोन जैक, बिकॉज ये स्लिमेस्ट IP68 फोन है, सो यहाँ पे ये चीजें आपको नहीं मिलने वाली हैं। बटन्स ऑफ कोर्स प्लास्टिक होने चाहिए, यहाँ पे कोई भी आपको मेटल पार्ट जनरली नज़र नहीं आना चाहिए। काफ़ी टाइट
लगे हुए हैं और ये बाहर नहीं आ रहे हैं, दैट्स अ गुड पार्ट। ऑन द कैमरा मॉड्यूल ऑफ कोर्स ये मेटल का होना चाहिए, यस। अगर आप वीगन लेदर पे जाएंगे तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको मेटल नहीं मिलेगा, ये कम्प्लीटली वीगन लेदर ही होगा। कैमरा मॉड्यूल जो लेंस के राउंड है ये भी मेटल का होना चाहिए, यस। इनसाइड में ढेर सारी ऐसी बहुत सारे चक्र जैसे कुछ फीलिंग आ रही है। आइकॉनिक मोटरोला बैक रिंग। इस फ़ोन के इनसाइड से है जो ऑफ कोर्स अगर आप स्क्रैच करना चाहेंगे तो ये बाहर नहीं निकलेगा, ऑफ कोर्स वहीं पर रहेगा। पेंटोन ब्लैक ब्यूटी, ये भी इनसाइड से फिक्स है जो कि ऑलवेज वहीं पर रहेगी। ये पीस के लिए यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा वाइड है एंड मोस्ट लाइकली यहाँ पे स्मॉलर मेटल ऑब्जेक्ट जा सकते हैं। अगर ये डैमेज हो गया तो प्रोबेबली आपके फ़ोन में जो इंटरेस्ट प्रोटेक्शन है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, बट यूजली यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ जाने वाली नहीं है। लाइक कॉइन्स एंड कार कीज इतनी थिन होती नहीं कि वो अंदर जा सकें। सिम ट्रे ऑफ कोर्स प्लास्टिक होगा। एज 40 में ऑन द अदर हैंड आपने देखा था हर चीज़ कम्प्लीटली मेटल की थी, तो ये एक मोर प्रीमियम ऑप्शन था। 5G प्लस भी काफ़ी प्रॉपरली आ रहा है और यहाँ पे सिग्नल की भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं इस फ़ोन में। वेट फॉर दी लॉन्ग टर्म रिव्यू कमिंग वेरी सून। ग्लास की क्वालिटी की बात करें, फिर रिमेंबर गाइस दी मोटोरोला एज 40, यहाँ पे स्क्रैचेस हमने देखा था लेवल 3, 4, 5, 6, 7 सभी से यहाँ पे स्क्रैचेस पड़ते चले जा रहे थे। अगर हम एज 40 न्यू की बात करें, आई बिलीव यहाँ पे ग्लास का प्रोटेक्शन चेंज तो किया गया है लेकिन फिर भी क्वालिटी पहले जैसे ही थोड़ी सी फील हो रही है। लेवल 3 पे ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई स्क्रैच इस बार नहीं पड़ रहे, लेकिन लेवल 4, 5, 6, 7 सभी पे फाइन और डीपर स्क्रैचेस पड़ते चले आ रहे हैं। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे कर टेम्पल का फोन में लगाना चाहिए। ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ बोथ ऑफलाइन एंड दी ऑनलाइन, जहाँ से भी आप चाहे लगवाएं, लेकिन यहाँ पे यूवी ग्लास आप जरूर लगवा लीजिएगा। कैमरे का जो ग्लास है वो भी लेवल 6 एंड 7 पे स्क्रैच हो रहा है, नॉट विद लेवल 5। ये थोड़ा सा बेटर है कम्पेयर टू रियर साइड के। दैट मीन्स मुझे लगता है कि कंपनीज कैमरा ग्लास में बेटर ग्लास प्रोटेक्शन देती हैं और जेन्युइन प्रोटेक्शन देती हैं, बिकॉज उन्हें पता होता है कि स्क्रीन पर तो ऑफकोर्स लोग टेम्पर ग्लास या स्क्रीन प्रिंट तो लगाएंगे ही, लेकिन कैमरे पर नहीं लगाएंगे। तो ये भी एक डाउट है, आप बताइए आपको क्या लगता है, क्या इसमें कुछ रियलिटी है कि नहीं है। टाइम फॉर दी बेंड टेस्ट, लेट्स फाइंड आउट ये एमोलेड डिस्प्ले हीट एंड फायर के इसमें कैसे रिएक्ट करता है। मोटो एज 40 में तो परमानेंट सा यहाँ पे मार्क आ चुका है, जो आई थिंक काफ़ी बैड अगर आपका फ़ोन एक्सीडेंटली किसी एक्सट्रीम हीट के कॉन्टेक्ट में आ जाता है। वेल, ऐसे तो आईफोन 15 में भी ये चीज़ें, नेवर माइंड, 15 प्रो मैक्स में काफ़ी एक्सट्रीम था। लाइक जो हमने मैक्सिमम टेस्ट किया था अराउंड 23 to 24 सेकेंड था, फिर भी फ़ोन में कोई ऐसा मेजर बर्न मार्क्स नहीं आए थे। लेट्स स्टार्ट विद हियर। अराउंड 9 सेकेंड लगे पिक्सल्स को बर्न होने में एंड वो रिकवर भी हो गए। रिकवर तो नहीं हुए परमानेंटली, बट यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा बर्न मार्क है। कंपेयर टू एच 40 के यहाँ पे बर्न मार्क काफ़ी कम है। टाइम फॉर दी बर्न टेस्ट गाइस, लेट्स फाइंड आउट ये फ़ोन कैसा रिएक्ट करता है। स्लिमेस्ट IP68 फ़ोन है। वेल, मोटोरोला का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, आज तक ऐसा कोई फ़ोन हुआ नहीं जो कि बेंड टेस्ट में फेल हुआ, बट लाइफ में कोई ना कोई चीज़ पहली बार तो ज़रूर होती है। लेट्स फाइंड आउट इस फ़ोन के साथ क्या कहानी है। पहले हम डिस्प्ले के साइड से बेंड करते हैं इन 3, 2, 1। काफ़ी एक्सट्रीम प्रेशर लगाने के बाद भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही है। फ़ोन में फ्लेक्स तो ऑफकोर्स आ गया है, बट ऐसा कोई मेजर नहीं है कि फ़ोन इंस्टेंटली ब्रेक हो गया होगा जैसे कि Honor 90 हुआ था एंड Vivo V27 Pro हुआ था। लेट्स ट्राई विद द रियर साइड इन 3, 2, 1। नोप, काफ़ी फ्लेक्स है फ़ोन में, बट स्टिल मोटोरोला अपने फ़ोन के बिल्ड क्वालिटी में काफ़ी
स्ट्रांग निकल के आ रही है। बोस ऑफ द एक्सट्रीम प्रेशर जो आप डे टू डे लाइफ में लगा सकते हैं इस फोन में, एज सच कोई प्रॉब्लम करेगा नहीं इस फोन के साथ में। सो या गाइस, दैट्स इट विद द मोटो एच 14 नियो। स्टे ट्यून्ड फॉर द मेगा टॉप टेस्ट। बहुत सारे फोन्स आ गए हैं, लेट्स फाइंड आउट कि ये फोन ड्रॉप के टर्म्स में कैसे निकलता है। बाय द वे, निकल के आएगा एच 40 जैसा, बिकॉज वेट दोनों फोन का एग्जैक्टली सेम है। सी द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।